प्रिसीजन इन लाइन PIL कलर पिक्चर ट्यूब। देखिए ये अनदर टाइप की पिक्चर ट्यूब है जो कि सेकंड टाइप की पिक्चर ट्यूब है PIL। इसमें क्या होगा, इसमें भी थ्री गन्स ही होंगी, थ्री गन्स, बल्कि उसकी अलाइनमेंट बदल जाएगी। डेल्टा गन में जो ट्रायड जो गन्स थी, तीन गन्स ट्रायड जो बना रही थी, वो थोड़ा डेल्टा यानी ट्राइंगल से टाइप में थी, ट्राइंगल टाइप में वो ट्रायड बनाती थी। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो तीन गन्स हैं वो प्रिसिजली अलाइन होगी, यानी कि एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में अलाइन होगी। इसी वजह से ही इसे थ्री गन इन लाइन बोला गया है, तीन गन जो कि एक लाइन में होगी। जैसे कि रेड, ये है हमारा रेड ग्रीन ब्लू, क्या है, हॉरिजॉन्टल में अलाइन है। तो उसमें क्या थी, जब हम लास्ट टाइम किया था, तीनों गन्स डेल्टा गन में 120 डिग्री के एंगल पे अलाइन थी, तीनों गन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री पे थी, जबकि इसमें एक लाइन में अलाइन होंगी, ये ट्यूब नेक पे होगी। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले तो आती है हमारी, ये हमारी गन होती है थ्री इन लाइन गन जो कि एक लाइन में है। तो इसमें ये जो गन होती है, इसके आगे होता है मास्क, मास्क स्ट्रक्चर। ये जो होंगे, ये होंगे स्लॉट, इसे स्लॉट कहेंगे, इसे स्लॉट शेप्ड अपर्चर ग्रिल बोलते हैं, जो कि मास्क होगा। PIL ट्यूब जो कि योक, जहां पे योक माउंट होती है उसके साथ होती है, और एक लाइन में होती है गन की कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कन्वर्ज करने में, जो तीनों बीम्स है ताकि वो कन्वर्ज हो, कन्वर्जन करने में हेल्प करती हैं, और ताकि कन्वर्जन अच्छे से हो, सिंप्लीफाई कन्वर्जन की जा सके, ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो। तो इसमें नेक्स्ट आती है हमारे फॉस्फोरस की स्क्रीन, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स की होती है, फॉस्फोरस की स्क्रीन जिसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं, और यहाँ पे ट्रायड बनता है, ठीक है, ट्रायड मतलब कि रेड ग्रीन और ब्लू कलर यहाँ पे आके इकट्ठे आते हैं और यहाँ पे एक ट्रायड बनेगा, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि रिपीटेड होता है, इसके अकॉर्डिंग, इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग रिपीटेड होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हम डेल्टा गन में किया था कि तीनों बीम्स जो कि 120 डिग्री के एंगल पे थी और शेडो मास्क में से पास होकर वहां पे, यहाँ पे ट्रायड बन रहा था, सेम इसी तरह ही होगा। लेकिन क्या होगा कि इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं और इसमें वो डॉट डॉट नहीं है, इसमें स्ट्रिप्स हैं। इसमें भी वैसे ही वैसे तो नहीं, थोड़ा डेल्टा टाइप में तो नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टली में ट्रायड्स बनते हैं, स्ट्रिप्स में बनते हैं, और जो हमारे कलर है ट्रायड की वो ऑब्टेन होते हैं, और रेड ग्रीन ब्लू की जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हॉरिजॉन्टली, जो हमारे हॉरिजॉन्टली स्पेस होता है उनमें, उस तरह से इनकी एडजस्टमेंट की जाती है। अब देखिए ये जो स्लॉट है, इसके बीच में ये मास्क है, इसके बीच में ये स्लॉट है, ये स्लॉट का काम क्या है, ये स्लॉट एक पर्टिकुलर वर्टिकल स्ट्रिप के लिए होगा, यानी कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन कौन सा, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन के लिए नहीं, जो ग्रुप होगा रेड ग्रीन और ब्लू का, यानी ट्रायड का, उसके लिए, रेड ग्रीन ब्लू फॉस्फोरस के लिए एक स्लॉट का यूज किया जाता है, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू तीनों के लिए एक स्लॉट इस तरह से यूज करते हैं। अब ये जो बीम होती है वो क्या होंगी, पास होंगी स्लॉट से, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू, और स्लॉट से पास होने के बाद ये जाएंगी वर्टिकल स्लिप फॉस्फोरस स्क्रीन पे, यानी एक स्लॉट एक वर्टिकल स्ट्रिप, यानी कि ट्रायड के लिए यूज की गई है।
ये वाला स्लॉट इस इन तीनों ये ट्रायड के लिए यूज किया गया है और इस तरह से ये वर्क करते हैं और एक ट्रायड बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि तीन बीम्स आ रही हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। आप एक चीज नोट कीजिए, जो सेंटर वाली बीम होगी, सेंटर वाली बीम कौन सी है, रेड और ब्लू के बीच में ग्रीन बीम। ये ग्रीन जब स्लॉट में से पास होगी तो इसके एंगल में कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। ये बीम जो कि सेंटर बीम है, ग्रीन बीम, ये ट्यूब की एक्सिस के साथ स्ट्रेट मूव करेगी और जब ये स्ट्रेट मूव करेगी तो ये स्लॉट में से पास होके सेंटर में ही आएगी। लेकिन इसके अलावा जो रेड और ब्लू है वो बीम थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं, ठीक है ना। राइट और लेफ्ट गन जो होती है, रेड और ब्लू, ये एक एंगल पे मूव करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आगे आके वो मास्क पे आके वो एक ही जगह मिलती हैं। ये जो मास्क होता है ये क्या करेगा, एक ही जगह से पास करेगा और उसके बाद इसमें देखिए क्या चेंजमेंट आ रहा है। यहां से पहले जो टिल्ट होके जा रही है तो ये रेड ऑपोजिट हो गई, रेड इधर मिलेगी, ब्लू इधर से जा रही है तो क्या होगी, वो इस साइड दूसरी साइड मिल रही है। यानी कि रेड और ग्रीन थोड़ी टिल्ट होती हैं और लेकिन ग्रीन सेंटर में ही रहती है अपनी एक्सिस पे। ये जो मास्क होता है ये डिजाइन किया जाता है कुछ इस तरह से कि हर एक बीम जो होती है, जो पास होगी इसमें से, वो उसकी अपनी फॉस्फोरस स्ट्रिप पे जाए ताकि रोंग जो बॉम्बार्डिंग है वो ना हो, गलत फॉस्फोरस पे लैंडिंग ना हो, इसीलिए ये इसमें यूज होता है। PIL ट्यूब जिसकी इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वो हाई होती है डेल्टा गन के कंपैरिजन में, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मगर इसमें भी कुछ ना कुछ प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इसमें प्योरिटी और स्टैटिक कन्वर्जेंस क्या होती हैं। ये है हमारा प्रिसिजन इन लाइन यानी PIL कलर पिक्चर ट्यूब। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।